इस चैप्टर के आखिरी वीडियो में चलते हैं, हम इस चैप्टर को ख़त्म करें। उससे पहले अर्थशास्त्र की जो डिफरेंट शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उनको हम समझें। तो पहले ही मैं बता चुका हूं दो शाखाओं के बारे में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसको हिंदी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अलावा एक हम तीसरे ब्रांच की ही बात करेंगे जिसको हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। ये दो शब्दों के मिलने से बना है, एक तो इकोन है जो कि इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब मेजरमेंट करना होता है, नापना होता है, तो इकोनॉमिक्स को नापना, इसमें हम इकोनॉमिक्स को नापने से संबंधित है। हम कैसे नापते हैं? नापने के लिए हमें डेटा चाहिए, तो डेटा से रिलेटेड स्टडी होती है। इसमें कैसे सिद्धांत समझने चाहिए, होने चाहिए, उसकी स्टडी इसमें होती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, बट पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझें। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें पहला टर्म जो है सो माइक्रो है। ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है जिसका मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म से होता है। और मैक्रो जो है वो मैक्रोस से आया है जिसका जो मतलब होता है बृहत, लार्ज से होता है, बृहत बड़ा या लार्ज से होता है। तो नाम बड़ा इंडिकेटिव है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति के को अध्ययन करते हैं और पहले ही हम समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति नॉट नेसेसरली कि एक आदमी है, ये व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है जो कि निर्णय लेने में सक्षम है। तो ये एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक कंट्री हो सकता है, और इसके बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे हम लार्ज फेनोमिना का अध्ययन करते हैं। कोई व्यक्ति विशेष के मिलने से बहुत लोग को अगर एक साथ लाया जाए तो कुछ ऐसे फेनोमिना होते हैं जो कि नए तरीके से आपके सामने आ जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, जैसे बेरोजगार, एक ऑफकोर्स एक व्यक्ति बेरोजगार है, बट एक समाज में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे व्यक्तियों को जॉब नहीं है, तो वो बेरोजगारी है। या मुद्रास्फीति हो रही है, तो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब एग्रीगेट फेनोमिना है। तो उसका अध्ययन हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो आपको आगे बता दें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आजकल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, नॉट जस्ट बिकॉज कि एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का। जैसे हम अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र, तो उसमें सब चीज़ का अध्ययन एटम के लेवल से शुरू होता है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में हर चीज़ का अध्ययन व्यक्ति विशेष से शुरू होता है, व्यक्ति, फर्म, जो कुछ भी है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में व्यक्ति कहते हैं, डिसीजन मेकिंग यूनिट, उससे शुरू होता है। तो अगर एग्रीगेट लेवल पे कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा जो कि पूरी तौर पे समाज में दिखने को मिल रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आजकल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा हो रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक फाउंडेशन प्रस्तुत कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो इस सेंस में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ज़्यादा मूल है, ज़्यादा फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स के लिए। हमने पहले भी कहा कि अगर हम इकोनॉमिक्स को ले लें तो दो तरह की चीज़ें हमने बात की कि एक थ्योरी है, दूसरा एम्पिरिकल टूल है एंड डेटा है। तो थ्योरी में भी दो तरह की चीज़ें हो सकती है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं। डेटा में भी हम व्यक्ति विशेष
की चीज़ों को हम चेक करने की विवेचना कर सकते हैं, को वेरीफाई कर सकते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये हम इकोनोमेट्रिक्स में करते हैं और इकोनोमेट्रिक्स में ये स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा भिन्न है। स्टैटिस्टिक्स में ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि एम्पिरिकल एनालिसिस होता है, एम्पिरिकल टूल्स यूज होते हैं, डाटा होते हैं। सो इकोनोमेट्रिक्स कैसे डिफरेंट है? बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स आ रहा है स्टैटिस्टिकल टूल से, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी से, एज वेल एज इकोनॉमिक के थ्योरी के प्रेजेंट से, इकोनॉमिक्स के थ्योरी के प्रेजेंट से। एक बहुत ही आसान चीज़ को हम समझते हैं, पहले भी हमने कहा था कि अगर हम भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में या नेचुरल साइंसेज में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के चर होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल और उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ चीज़ें आप बदलने को स्वतंत्र हैं और वो बदलने से उनका प्रभाव दूसरे चरों पे क्या होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में अगर लेट्स से कि हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई करने से क्या ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्या ज़्यादा वेज मिलता है, तो हम चाह करके भी लोगों की पढ़ाई को वैरी नहीं करवा सकते। हम ये नहीं कर सकते कि राम तुम क्लास फोर्थ तक पढ़ो, श्याम तुम क्लास सिक्स तक पढ़ो। तो इसमें थोड़े स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होती है जो कि हम इकोनोमेट्रिक्स में लाते हैं। अब हम ऑल्सो हम और समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के में क्या पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या ब्रांचेज हो सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्या क्या ब्रांचेज हो सकते हैं। सो पहले तो ये समझें कि इस कोर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे। इस कोर्स में हम सबसे पहले मांग और पूर्ति के सिद्धांतों को समझेंगे। मांग मीन्स डिमांड, पूर्ति इज सप्लाई। सो पहले तो डिमांड एंड सप्लाई को समझेंगे और डिमांड एंड सप्लाई दोनों साथ में आते हैं तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है, जिसको हिंदी में हम बाजार संतुलन कहते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसे हम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। उसी तरह हम लोग जो है सो उत्पाद एवं लागत के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। उत्पाद मीन्स प्रोड्यूसर्स थ्योरी, प्रोड्यूसर्स एंड कॉस्ट, इनके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम डिफरेंट बाजारीय व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली बात करेंगे, मोनोपॉली की बात करेंगे, डुओपॉली की बात करेंगे। ये सब चीज़ हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको कह दें कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपॉली एंड डुओपॉली के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे ब्रांचेज होते हैं, और सारे ब्रांचों को के बारे में तो बताना भी संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता दूं। हम लोग इसमें इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के बारे में बात करते हैं। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य जो होता है वो राष्ट्रों के बीच में होता है, और हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि राष्ट्र एज ए यूनिट ये डिसाइड कर रहे हैं, तो राष्ट्र वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष है। तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, हम स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को पढ़ते हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स में, श्रम एक बहुत इम्पॉर्टेंट संसाधन है, लेबर बहुत उससे गुड्स एंड सर्विसेज के निर्माण में सहायता होती है, तो हम लोग लेबर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं गेम थ्योरी को। गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम टूल्स के बारे में समझते हैं, जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और
इंटरेक्ट करते समय उन्हें ये ध्यान रखना होता है कि दूसरे के एक्शन से उनका उनको जो पे ऑफ मिलेगा, जो कुछ भी उन्हें मिलेगा, ये प्रभावित होता है। तो वैसी चीज़ें हम गेम थ्योरी में पढ़ते हैं। जब हम डुओ पॉली की बात करेंगे तो उस समय हम थोड़ी चर्चा गेम थ्योरी की भी करेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति डिसाइड करता है, क्योंकि ये पूरे एग्रीगेट फेनोमिना है तो हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सरकार की वित्तीय नीति को समझने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय के निर्धारण को, नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन को समझने की बात करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हम अगले वीडियो में मांग और पूर्ति के सिद्धांत से शुरू करेंगे। पहले मांग के बारे में बात करेंगे, मांग का नियम क्या है, उसके बाद पूर्ति का नियम क्या है, उनके साथ आने से बाजार संतुलन कैसे बनता है, और हम क्या क्या कॉम्परेटिव स्टैटिक्स की स्टडी वहाँ पे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि एक शुरुआत होगी नेक्स्ट चैप्टर की।